नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक इंडिया अलायंस जो बना है उसकी मुंबई में बैठक शुरू होने जा रही है और उसका जो एजेंडा है वो सामने आ गया है। सबसे पहले आज अलायंस को फाइनल कर दिया जाएगा और इसके बाद गठबंधन की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। बिल्कुल अमित, अलायंस के लोगों को फाइनल किया जाएगा, उसके बाद गठबंधन की रीस्ट्रक्चरिंग होगी जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने, गठबंधन के इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए सचिवालय, एक रिसर्च विंग के साथ ही 5 से 10 प्रवक्ता तय किए जाएंगे। साथ ही मीडिया और सोशल मीडिया टीम बनाने पर भी आज ही बैठक में बात होगी। नेशनल एजेंडा बनाने के लिए कमेटी बनाने पर भी आज ही बैठक में चर्चा की जाएगी। प्रचार के लिए ऐसे मुद्दों की तलाश करना जो सभी पार्टियों को सूट करते हैं उस पर भी बात होगी। होटल हयात में आज इंडिया अलायंस की तीसरी बड़ी मीटिंग होने जा रही है और इस वक्त हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर सचिन चौधरी और दिनेश मौर्य दोनों मौजूद हैं। और बैठक का एजेंडा क्या होगा वो इंडिया टीवी के पास आ गया है कि आखिर इस बैठक में होने क्या वाला है। सबसे बड़ी चीज है कि इसमें एक रिसर्च विंग बनाने की बात कही जा रही है। दूसरी बड़ी चीज सेक्रेटेरिएट या फिर एक ऐसा पावर हाउस, एक ऐसी जगह बनाने की बात है जहां से कोऑर्डिनेशन हो, साथ ही प्रवक्ताओं को भी नियुक्त करने की बात जो है वो आज के मीटिंग में फाइनल की जाएगी। दिनेश मौर्य हैं, उनसे बात करते हैं। आज जो है वो पिछले पहली मीटिंग हमने देखी पटना में, उसके बाद बेंगलुरु में कई सारे फैसले हुए, लेकिन मुंबई की मीटिंग जो है वो अहम मीटिंग है क्योंकि यहाँ पर विपक्षी दल यानी कि जो विपक्षी दल है उनकी सरकार नहीं है, उसके बावजूद यहाँ मीटिंग की जा रही है, तो कई अहम फैसले हो सकते हैं यहाँ पे दिनेश जी। बिल्कुल, देखिए 5 बड़े फैसले हो सकते हैं, खास तौर पर अलग अलग विचारधारा वाले तमाम ये दल हैं। ऐसे में इन दलों को लेकर लगातार कई सारे विवाद हो रहे हैं, गठबंधन की स्थिरता को लेकर लगातार सवाल जो है बीजेपी द्वारा उठाया जा रहा है। इसीलिए 5 एजेंडे जो जिनमें जिस तरह से आपने कहा, एक इलेक्शन कमेटी दिल्ली में, एक सचिवालय टाइप का एक इलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी जहां से पूरे इलेक्शन, जब चुनाव आएंगे तब पूरे इलेक्शन को जो है हैंडल किया जाएगा, हर एक स्ट्रैटेजी जो है उस दफ्तर से बनाई जाएगी और किसी भी राजनीतिक दल को अगर जो भी जरूरत होगी या जानकारी पास करनी होगी तो वो एक दिल्ली में एक कमेटी होगी जहां पर फैसला होगा। दूसरा और सबसे अहम, अलग अलग नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं और इसीलिए आज की इस मुंबई बैठक में करीब 5 से 10 ऐसे प्रवक्ताओं को नियुक्त किया जाएगा, उस पर फैसला लग सकता लिया जा सकता है कि जो यही 10 या 5 जो नेता होंगे, प्रवक्ता होंगे, वही इंडिया के संदर्भ में तमाम बातचीत करेंगे। प्रवक्ताओं की नियुक्ति होगी लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनानी जरूरी है और इस बारे में भी आज यहाँ पर चर्चा होनी है क्योंकि जो नीतियां तय होनी है, क्योंकि लगातार बीजेपी यही बातें कह रही है कि सब लोग साथ में आए, सिर्फ मोदी को हराना चाहते हैं। नीतियां क्या है, किस नीतियों को लेकर ही आगे जाएंगे, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी भी तो बनानी पड़ेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने को लेकर बिल्कुल एक राय बन रही है, जिस तरह से कल हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, चाहे फिर वो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना हो या कांग्रेस नेताओं से जब हमने ऑफ कैमरा बातचीत की तब उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी और जो सीनियर लीडर्स है वो पूछ रहे हैं एक एक दल को, जैसे नीतीश कुमार हो गए, ममता बनर्जी, शरद पवार, तमाम दूसरे बड़े नेताओं को कि क्या वो संयोजक बनेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये दावा है, कांग्रेस का ये दावा है कि अभी तक किसी ने हामी नहीं भरी है। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि वो इस पद के लिए इच्छुक नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि अगर कोई राजी नहीं हुआ तो एक सीनियर ऑल पार्टी जो घटक दल है इंडिया अलायंस के, उनकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुखिया, मैं एक बहुत अहम बात कर रहा हूँ, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो मुख्य संयोजक हो सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इसलिए भी प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है, बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी मजबूत पार्टी है, उनके अध्यक्ष है, साथ ही एक दलित शेड्यूल कास्ट चेहरा है। अगर भविष्य में पीएम प्रोजेक्ट के लिए उनका चेहरा भी अगर प्रोजेक्ट किया जाता है तो एक दलित चेहरे को पीएम बना रही कांग्रेस या इंडिया अलायंस, एक बड़ा मैसेज भी जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं रणनीति कांग्रेस के अंदर है और बाकी दलों के अंदर है क्योंकि कांग्रेस ही सबका नेतृत्व कर सकती है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे दल हैं उनको लग सकता है, हालांकि इसमें आप पार्टी और बाकी ममता बनर्जी और बाकी लोगों का खुलकर तो समर्थन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ये राय बनाने की कोशिश जरूर कर रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य संयोजक हो, एक कमेटी बनाई जाए उसके संयोजक हो।
देखिए मुंबई में ये मीटिंग हो रही है, उद्धव ठाकरे के मत्थे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि हयात होटल में और इस पूरे मीटिंग को कराने की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे के ऊपर है। यही वजह है कि सामना में जो आज अग्रलेख छपा है, जो संपादकीय छपा है, उसमें जो विपक्ष में जो उथल पुथल है उसको दरकिनार करने, उस मुद्दे को गौन करने की बात जो है वो कही जा रही है। वहीं एक ना हम मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर हम बात करें तो उनको कन्वीनर बनाने की बात की जा रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से कुछ नेता कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के भी उम्मीदवार हो सकते हैं। तो कन्वीनर बनेंगे या फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी या फिर वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे, इन सब बातों की चर्चा तो होनी बहुत जरूरी है दिनेश जी। बिल्कुल, देखिए कोशिश यही की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि भले वो कह रहे कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कोई नहीं होगा, लेकिन वो जो है मीडिया के जरिए अपने अन्य सूत्रों के जरिए फिलर्स ये भेजने की कोशिश कर रहे हैं अपने तमाम साथी दलों को कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो नाम हो सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी का नाम जब जिस तरह शुरुआत में लिया जा रहा है तो बीजेपी अटैक करती है कि ये परिवारवाद की जो है पहचान है, परिवारवाद का प्रतीक है राहुल गांधी, और इसीलिए उसका काउंटर करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है वो आगे करने की कोशिश जो है अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस की तरफ से की जाती है। इसके साथ एक बड़ा गेम उनका ये भी है कि इस देश में एक बड़ी आबादी जो है वो दलित वर्ग से आती है, अन्य जो पिछड़े वर्ग है उनसे आती, तो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस तरह का दांव जो है वो कांग्रेस की तरफ से चला जा रहा है। अंतिम फैसला क्या होता है ये बैठक में तय होगा, लेकिन खड़गे का नाम इसलिए भी आगे किया जा रहा है क्योंकि कर्नाटक में भी चुनाव थे और कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद जो पहली परीक्षा थी उसमें खड़गे पास हुए और कर्नाटक से ही आते हैं दलित चेहरा, इस वजह से कांग्रेस के कई नेता उन्हें प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने पटना की मीटिंग में देखा और उसके बाद जब बेंगलुरु की मीटिंग हुई तो ऐसा लगा कि जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने नीतीश कुमार जो रोल पहले अदा कर रहे थे वो उस रोल में दिखते हुए नजर आ रहे थे। तो खबरें भी आने लगी थी कि नीतीश कुमार इससे खफा है, हालांकि बाद में उस बात को डिनाई किया था, लेकिन खड़गे एक महत्वपूर्ण चेहरा है और आज भी इस मीटिंग में ये बात सामने आएगी। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्होंने ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस हो, डीएमके हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, शरद पवार की पार्टी, शरद पवार को भी पूछा गया, लेकिन शरद पवार फिलहाल जो है वो कह रहे हैं कि मैं मार्गदर्शक की भूमिका में रहूंगा। उनका कहना क्या बुमरे में हो चुकी है और ऐसे में ये जिम्मेदारी जो है किसी एक ऐसे सक्रिय नेता को दी जाए कि जो सबसे बात कर सके, और शरद पवार भी एक्सेप्टेबल चेहरा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शरद पवार की फिलहाल कुछ मजबूरियां है क्योंकि उनकी पार्टी में फूट पड़ गई है, उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शरद पवार खुद ही खुलकर सामने नहीं आ रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई दूसरा मार्गदर्शक समन्वय बने और उसको। शरद पवार 2 महीने पहले बहुत मजबूत थे और इस इंडिया अलायंस को लीड करने की स्थिति में थे, लेकिन बाद में जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से उनके भतीजे उनका साथ छोड़ के चले गए हैं, तो अब वो उस स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। वहीं अगर हम सामना की बात करें, उद्धव ठाकरे की पार्टी की बात करें, तो सामना में संपादकीय के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि विपक्ष में सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ भी उथल पुथल नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल है। फोटो तक उसमें प्रकाशित की गई है और फोटो में दिखाया गया है राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी, सबको आगे रखा गया है। वहीं शरद पवार को लालू यादव के बाद रखा गया है, जबकि आपको बता दें अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे को सबसे आखिर में जगह दी गई है, कि यानी कि एक बड़ा दिल दिखाने की कोशिश जो है वो उद्धव ठाकरे के द्वारा उनके जो पार्टी का मुखपत्र है सामना उसके जरिए की जा रही है। वहीं पर लालू यादव का भी जिक्र जो है वो सामना में बार बार किया गया है। लालू यादव ने जो बयान दिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब वो पटना से निकल रहे थे मुंबई के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम नट्टी पकड़ने जा रहे हैं, यानी कि गर्दन पकड़ने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी का। जी बिल्कुल, देखिए लालू यादव का अपना एक अंदाज है, अपने अंदाज में उनके जो वोटर है, मतदाता है, उन्हें वो आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, और लालू के इसी अंदाज को अब इंडिया के जो अन्य गठबंधन दल है वो अपनाने की कोशिश करे, और यही वजह है कि सामना में और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस दौरान भी संजय राउत ने मंच से कहा कि नरेंद्र मोदी की गर्दन पकड़ने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है गठबंधन के दलों द्वारा, इंडिया के दलों द्वारा,
कि अब यहां से लड़ाई जो है सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से होगी। नरेंद्र मोदी को हराने को लेकर जितने चाल चलने होंगे, जितने दांव चलने होंगे, जिस भाषा का इस्तेमाल करना होगा उन तमाम भाषा का इस्तेमाल करने में अब गुरेज नहीं किया जाएगा। तो मैसेज क्लियर है कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है, उनके पॉलिसीज को टारगेट करना है, भले ही नाम ना ले, लेकिन जो नेता नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है। लेकिन विपक्षी पार्टियों में सब कुछ ठीक ठाक है और मुद्दे भी सामने आ गए जिसको लेके आगे बढ़ना है, वो भी बताने की कोशिश की गई है सामना। जी बिल्कुल, सामना में साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ केंद्र की जो सरकार है उसकी विफलता बताई गई है, चाहे फिर वो महंगाई का मुद्दा हो, जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम जो है कम किए गए उसको लेकर इंडिया एयरलाइन जो है क्रेडिट ले रहा है, वो कह रहा है कि अभी तो दूसरी मीटिंग है इसके कारण 200 रुपये कम किए, लेकिन भविष्य में जैसे जैसे इंडिया एयरलाइंस मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा तो कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि फ्री की रेवड़ियां बांटने का काम जो है मोदी सरकार शुरू कर दे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।